हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने गूगल ड्राइव पे नंबर को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा, जो आपका कॉन्टैक्ट सेव है वो सारे कॉन्टैक्ट में जाना है। इस तरीके से आपका कॉन्टैक्ट खुलेगा। खुलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपका ई मेल आई डी वगैरह भी देखने को मिल जाता है। इस तरीके से देख सकते 600 जो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होने के बाद और सिंपली इसे सेव कर देंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, काउंट कर रहा है, ये हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी शेयर कर सकते, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ईमो पे, ईमेल आईडी, टेलीग्राम, जहाँ मर्जी सेव करके रख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ड्राइव पर लेता हूँ। ड्राइव पर जाने के बाद आपको सिंपली जो भी आपका जो अकाउंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ से मान लीजिए अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं या फिर इसी फोल्डर में कर सकते हैं सेव। तो मान लीजिए अगर फोल्डर बनाना है तो यहाँ से ले सकते हैं नया फोल्डर और यहाँ पर लिख लीजिए कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सारा यहाँ पे सेव कर दीजिए। और ये जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपको यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, और जितने नंबर है वो सारे आपके वहाँ पे सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारे कॉन्टैक्ट ये सेव होना एक फ़ाइल में होना शुरू हो गया। अब ये हो भी चुका है तो कुछ टाइम में हो गया। अब मान लीजिए अगर हमने कर तो लिया है बट उसे डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली आपको गूगल ड्राइव में जाना है और उस फोल्डर को चूज़ करना है जिस फोल्डर पे जाना चाहते हैं, आई मीन डाउनलोड करना चाहते हैं, और सिंपली उस फोल्डर को डाउनलोड करना है जिस फोल्डर को आपने लिया है। तो आप यहाँ से सिंपली जो कि आपने फोल्डर आपने लिया है उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी कौन सा था हमारा, इक्विटी नॉलेज, ठीक है। और यहाँ से कॉन्टैक्ट पे जाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे सारे कॉन्टैक्ट पीडीएफ में आ गया और इसे सेव कर, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से सेव कर सकते हैं वीडियो और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूँ।